हेलो फ्रेंड्स, आज मैं उन आसनों के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगी जो हमारे सिलेबस में प्रस्तावित हैं। तो ऐसे अलग अलग आसन हैं, जैसे हाइपरटेंशन के लिए अलग, अस्थमा के लिए अलग, ओबेसिटी के लिए अलग, बैक पेन के लिए अलग। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे वो आसन जो ओबेसिटी से रिलेटेड है। ओबेसिटी यानी कि हिंदी में मोटापा। तो इनसे रिलेटेड चार आसन हमारे सिलेबस में प्रस्क्राइब्ड हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ हस्तोत्तान आसन से। तो ये स्टार्टिंग पोजीशन हमारी, लेग शुड बी शोल्डर विड्थ अपार्ट एंड पाम शुड बी ऑन थाइस। तो धीरे धीरे हम स्ट्रेच करेंगे और फ्रेंड इन आसनों को करने के साथ साथ मैं आपको इनके थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स भी बताऊंगी। देखिए, आपने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के साथ साथ आपको इन्हेल करना है, इन्हेल। और जब आप लेफ्ट साइड में मूव करते हैं, बेंड करते हैं, तो आपको एक्सहेल करना है एंड यू हैव टू होल्ड द पोजीशन फॉर अ वाइल। आफ्टरवर्ड्स अगेन यू हैव टू स्ट्रेच इन द सेंटर एंड नाउ दिस टाइम यू हैव टू बेंड टुवर्ड्स योर राइट। तो सेम प्रोसीजर, आप ऊपर स्ट्रेच करते हैं तो आपको इनहेल करना है, जब आप साइड में बेंड करते हैं तो आपको एक्सहेल करना है, और साथ ही साथ आपको ब्रीदिंग का बिल्कुल ध्यान रखना है। और जैसे अब मैं आपको बताऊंगी इसके थेरेप्यूटिक बेनिफिट। आपने ऐसे करके ये राइट साइड बेंड किया, यानी कि यहाँ से आपका प्रेशर पड़ रहा है, इसका मतलब आपका इधर से फैट बर्न हो रहा है। अदर साइड यहाँ से आपकी बॉडी स्ट्रेच हो रही है, मतलब आपकी इधर से फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। साथ ही साथ आपके पैरों पर भी पूरा पूरा आपकी बॉडी का प्रेशर जा रहा है, वेट जा रहा है। तो यानी कि आपके जो नीज हैं, एंकल हैं, ये सारे मजबूत हो रहे हैं। नेक्स्ट आसन की हम बात करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण का मतलब है ट्राइंगल, इंग्लिश में हम इसको ट्राइंगल बोलते हैं। देखिए, तीन कोने जैसा आपको दिख रहा होगा। ये स्टार्टिंग पोजिशन है, दोनों हाथ साइड में आपको स्ट्रेच करने हैं, उसके बाद लेफ्ट साइड में आपको बेंड करना है। यस, ये पोजीशन आपको लेनी है। और जो आपको ये फोकस है देखने का, वो आपका इधर पाम के सेंटर में आपको देखना है। थोड़ी देर मेंटेन करिए, ब्रीदिंग शुड बी नॉर्मल। धीरे धीरे रेज करिए बॉडी, उसके बाद आपको राइट साइड में टर्न करना है। अगर आपसे होल्ड होता है तो आप होल्ड करिए, और टच होता है टच करिए, नहीं होता तो आपको ऐसे स्विंग नहीं करना। जहाँ भी आपसे जितना होता है होल्ड करिए और फोकस आपका पाम की तरफ करिए। इससे एब्डोमेन फैट रिड्यूस होता है, साथ ही साथ आपका हिप मसल्स स्ट्रेच होती हैं और बैक मसल्स भी आपकी फ्लेक्सिबल होती हैं। नेक्स्ट आसन मैं आपको बताती हूँ, वो हम बैठ के करेंगे, यानी कि लॉन्ग सिटिंग पोजीशन से, और उसका नाम है अर्धमस्तेंद्रासन। सबसे पहले दोनों लेग्स आपको स्ट्रेट करनी है, बैक आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, और अब आपको धीरे धीरे लेफ्ट लेग को बेंड करना है। बेंड करते हुए राइट थाई के नीचे रखना है, दूसरा पैर बेंड करके आपको ऐसे प्लेस करना है। इसमें भी आपको ध्यान रखना है, आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसे झुकनी नहीं चाहिए। हाथ आपको स्ट्रेच करना है, राइट लेग अगर आपकी ऊपर है तो आपको लेफ्ट हैंड स्ट्रेच करके और इसके चारों तरफ ऐसे प्लेस करना है। दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड, राइट हैंड आपको बैंड करना है। दिस इज द पोजीशन फॉर अर्धमस्तेंद्र आसन। ब्रीदिंग शुड बी व्हाइल गोइंग यू हैव टू इनहेल। देखिए, फिर से दिखाती हूँ आपको, दूसरे पैर की तरफ से राइट लेग आपने बैंड की, उसके बाद लेफ्ट लेग को बैंड करके यहाँ प्लेस किया। जब आप राइट हैंड स्ट्रेच करते हैं तो साथ साथ आपको इनहेल करना है, इनहेल करके पोजीशन के साथ आपको ब्रीथ होल्ड भी करना है ऐसे। जब आप ये पोस्चर रिलीज करते हैं तो साथ साथ आपको एक्सहेल भी करना है। ये है हमारा अर्धमस्तेंद्रासन। इसके बेनिफिट्स हैं साइड फ्लेक्सिबिलिटी और ओबेसिटी रिड्यूस करना, और एंकल्स एंड नी जॉइंट्स को मजबूत करना। नेक्स्ट आसन है हमारा वज्रासन। दिस इज़ माय फेवरेट आसन। दोनों नीज आपकी एक साथ रहेंगी, सेम वे हील्स भी आपको एक साथ ही रखनी है, और जो पाम्स हैं ये थाइस पे ऐसे प्लेस करना है। बैक शुड बी स्ट्रेट, यू हैव टू फोकस समवेयर एंड ब्रीदिंग शुड बी नॉर्मल। ओके, दूसरी साइड से देख लीजिए आप,
together, knees together, back straight and normal breathing. Inhale, 2 second के लिए hold करना है, then exhale. तो ये वज्रासन है. वज्रासन ही ऐसा आसन है जो कि हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, यानी कि ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है. और बाकी नीज एंकल इससे बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, बैक की फ्लेक्सिबिलिटी इससे इंक्रीज़ होती है, साइड फैट्स इससे रिड्यूस होते हैं. तो फ्रेंड्स, ये थे ओबेसिटी से रिलेटेड आसन. अगली क्लिप में मैं आपको और आसन दिखाऊंगी, जैसे बैक पेन, हाइपरटेंशन से रिलेटेड.